Hello students, good morning. Today's read chapter 1st, our resources. This video class 8, subject geography. Chapter hai aapka 1st, our resources. Page number 134, our resources, hamare sansadhan. We'll learn about in this chapter about resources, about natural human and human made resources, about sustainable development. ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में रीड करेंगे. Look around and observe your surrounding. आप अपने चारों ओर देखिए और ऑब्जर्व करिए. List the name of at least 10 things that you find in your immediate environment. Are they of any use to you? If yes, write against their name the purpose they serve. आप अपने चारों ओर देखिए, ऑब्जर्व करिए और उनकी कम से कम 10 things की लिस्ट बनाइए जो आपको अपने environment में सीन होती है, दिखाई देती हैं, और उनका क्या यूज है, क्या यूज करते हैं आप. अगर आपको चारों ओर अपने आसपास कुछ ऐसी 10 थिंग्स हैं जो एनवायरनमेंट से हमें मिलती हैं या हम उनका क्या यूज करते हैं, वो आपको ऑब्जर्व करना है और राइट करना है. और उन चीज़ों का क्या पर्पस है, क्या यूज करते हैं हम, लिखना है. यू विल फाइंड दैट एवरीथिंग अराउंड यू इज ऑफ सम यूज और द अदर फॉर इंटेंस. फूड, क्लॉथ, फर्नीचर, बुक एंड ट्रांसपोर्ट, इवन मैनी ऑफ द प्लांट एंड फ्लावर इन द गार्डन आर ऑफ वैल्यू टू यू एट द सेम टाइम प्रोवाइडिंग ब्यूटी टू द एनवायरमेंट. आपने अपने चारों ओर कुछ फाइंड किया है जो जिसका यूज हम करते हैं, जैसे कि फूड, क्लॉथ, फर्नीचर, बुक्स, ट्रांसपोर्ट, इवन यहाँ तक कि प्लांट्स, फ्लावर जो कि गार्डन में है, आपके लिए जो वैल्यू रखते हैं और आपके यूज में आते हैं. एट द सेम टाइम प्रोवाइडिंग ब्यूटी टू एनवायरनमेंट, और उसी टाइम ये एनवायरनमेंट को एक सुंदरता भी देते हैं. गार्डन, फ्लावर्स, प्लांट, ये सब चीज़ें. All the elements of the environment which can be used to satisfy our need and are of value to us are called resources. जी सारे जो all elements हैं, elements means तत्व, जी environment के जो all elements हैं जो हमारी need को, जो daily की needs होती हैं और उनको ज़रूरतों को पूरे करती हैं और हमें satisfied रखती हैं, ये क्या कहलाती हैं, रिसोर्सेस. रिसोर्सेस एनी एलिमेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट विच कैन बी यूज टू सेटिस्फाई अवर नीड एंड इज ऑफ वैल्यू टू अस, जो हमारे लिए वैल्यू रखती हैं और हमारी सेटिस्फाइड जो ज़रूरतें होती हैं उनको पूरा करती हैं. एनवायरनमेंट के ऑल एलिमेंट्स रिसोर्सेस कहलाते हैं. बिकॉज दे यूज देयर नॉलेज, human beings themselves are resources because they use their knowledge and skill to transfer material available in our environment into resources. human beings themselves, वो एक खुद में resources है क्योंकि वो अपने knowledge से, अपनी skill से उस material को available बनाते हैं हमारे resources में, हमारे use में transfer करके. thus एनी मटेरियल फ्रॉम नेचर, नेचर बिकम आर रिसोर्सेज एज एंड वैन हुमन फाइंड इट यूजफुल एंड अटैच सम वैल्यू टू इट. इस प्रकार कोई भी मटेरियल जो नेचर से हमें मिलता है और रिसोर्सेज बनता है, जब मानव उसको एक यूजफुल और हमारे अटैच में वैल्यू में लाता है, जैसे एग्जाम्पल के लिए वाटरफॉल वर जस्ट रिवर थ्रिम्बिंग डाउन steep slopes with no real use, they became a resource only when human beings invented the technology of
harnessing the force of falling water to generate electricity. So we can say that natural elements that are used to produce something have economic value. Sometimes women attach aesthetic value to same. Some natural elements such as mountain and sea for their scenic beauty too. जैसे कि एग्जाम्पल के लिए वाटरफॉल सिर्फ एक रिवर था, उसको मानव ने अपनी टेक्नोलॉजी से उसको एक वाटरफॉल में चेंज कर दिया, जिससे उसके जो गिरते हुए पानी से वो अपने टेक्नोलॉजी से क्या जनरेट कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी. इसलिए नेचुरल एलिमेंट्स होते हैं वो हमारे जो इकोनॉमिक वैल्यू भी हम उनको कह सकते हैं. अगर हम उससे बिजली निकालेंगे तो उससे हमारी इकोनॉमिक वैल्यू के यूज में आएंगे और इससे सुंदरता भी बढ़ती है नेचुरल से. जैसे इससे माउंटेन सी ईटीसी ये सारी चीज़ें सुंदर भी दिखती हैं. हुमन नीड आर नॉट द सेम एवरीवेयर इन द वर्ल्ड नॉर हैव दे रिमेंड स्टैटिक over the year with the progress of society and the advent of society our material need have increased manifold and have become more complex the huge resources depend upon जो हमारा human needs होती है, जो मानव की ज़रूरतें होती हैं, हर जगह वर्ल्ड में एक सेम नहीं होती हैं. एक टाइम के बाद अलग होती रहती हैं, चेंज होती रहती हैं, सोसाइटी में प्रोग्रेस होती है, साइंस में एडवेंट होता रहता है हमारे मटेरियल के अकॉर्डिंग. द यूज ऑफ रिसोर्सेज डिपेंड अपॉन रिसोर्सेज का यूज किस पे depend on the need of the people of a region their knowledge and level of technology they process the mineral deposit in africa were not valuable to the native as they were ignorant about their use when the european settled explored and developed the mineral deposit they become important resources example ke liye mineral था जो अफ्रीका में बहुत सारा डिपॉजिट था बट वहाँ के जो लोग थे उनको उनकी कोई भी वैल्यू नहीं पता थी और वो उनको इग्नोरेंट करते थे उसके यूज को. जब यूरोपियन सेटल ने एक्सप्लोर किया, खोजा, डेवलपमेंट की मिनरल डिपॉजिट की, तब वो एक इम्पॉर्टेंट रिसोर्सेस में चेंज हुआ. In development country, resources have been utilized efficient while under development country are yet to full exploit their resources as they do not have the required technology. जो development country होती हैं वो resources को utilize करती हैं efficient अपने knowledge से उसका उपयोग करती हैं. जो under development country होती हैं उन वो उनका exploit करती हैं, मतलब बर्बाद करती हैं, क्योंकि उनके पास उन रिसोर्सेस को अच्छे से करने में उनके पास टेक्नोलॉजी नहीं है, वो उसका यूज नहीं कर सकते हैं. ये सब चीज़ें हैं. द इम्पोर्टेंस एंड यूज ऑफ पर्टिकुलर रिसोर्सेस ऑल्सो चेंज विद आवर टाइम. फॉर एग्जाम्पल द फॉरेस्ट ऑफ इंडिया अर्लियर प्रोवाइड ओनली टिम्बर एंड फायरवुड टू द लोकल्स आफ्टर बीइंग converted to national park not only to they preserve the flora and fauna they also promote tourism generate a lot of income therefore the term resources does not refer to things or a substance but to its function or its ability to fulfill human's need jaise ki importance और इसका यूज एक पर्टिकुलर रिसोर्सेस का चेंज टाइम के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है. जैसे एग्जांपल के लिए इंडिया के जो फॉरेस्ट थे पहले वो सिर्फ टिम्बर और फायरवुड ही देते थे बट उसके बाद जो मानव ने अपने टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग बहुत सुंदर सुंदर से पार्क किए, सीनिक ब्यूटीज़ दिखाई टूरिस्ट को, जिससे उन्होंने बहुत सारा जनरेट किया, क्या लॉट ऑफ इनकम, पैसा भी, सुंदर सुंदर पार्क बनाए जिसकी वजह से हमको बहुत सारी इनकम
होने लगी।